अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार रात 9 बजे दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलाने के कार्यक्रम को किया गया, जिसमें देश के हर राज्यों से, हर कोने से लोगों ने इसका पूर्ण समर्थन किया और रात को 9 बजे अपने घरों से बाहर आकर दिए जलाए, मोमबत्ती जलाई। दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलाने के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। यह नजारा देखने में तो काफी अच्छा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम लोगों को एकजुट करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए और पूरे देश में शांति बनी रहे, इसलिए यह करने का लोगों से आह्वान किया था। लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस कार्यक्रम को भी एक नेगेटिव साइड मिल गई। लोगों ने शांतिपूर्ण से किए जाने वाले कार्यक्रम में पटाखे जलाकर खूब अशांति फैलाई। इन सबके बीच कल एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की बलरामपुर में बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी रात 9 बजे हर्ष फायरिंग करते नजर आई। मतलब अब आप ये समझिए कि बीजेपी की ही एक महिला जिलाध्यक्ष हर्ष फायरिंग कर रही है। लीडर्स, पॉलिटिशियंस का ये काम होता है कि वह लोगों को, आमजनों को समझाए, उन्हें किसी भी तरीके की गलती करने से रोके। लेकिन जब ये लीडर्स ही, पॉलिटिशियंस ही ऐसी हरकत करे तो आप क्या कहेंगे? आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मंजू तिवारी प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान पर अति उत्साहित दिखी और घर में दीपक जलाने के बाद वे लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घर के बाहर निकल आई और कोरोना वायरस भगाने के लिए हवाई फायरिंग करने लगी। वह यहां तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इसकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर भी अपलोड कर दी, जो फेसबुक पर आते ही बहुत तेजी से वायरल होने लगी है। इसी के तहत आज उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, साथ ही बीजेपी ने उन्हें उनके पद से भी हटा दिया है। इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी नेता मंजू तिवारी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि मैंने देखा कि पूरा देश, पूरा शहर मोमबत्ती और दिया जला रहा है। इसे देखकर मैंने महसूस किया कि यह दिवाली है और उत्साह में आकर हवा फायरिंग कर दी। मैं अपनी गलती मान रही हूं और इसके लिए माफी भी मांगती हूं। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।